से नावेद सिद्दीकी जी, अगर पूरी तस्वीर हम देखें, आप जब गायत्री प्रजापति शपथ लेते हैं, फिर आगे बढ़ के पैर छूते हैं, एक बार नहीं तीन बार छूते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बिल्कुल तटस्थ हमारे दिखते हैं, बहुत सहज नहीं दिखते हैं, खुश नहीं दिखते हैं। हर बार मंत्रिमंडल विस्तार में एक मुस्कान उनके ऊपर होती थी, लेकिन इस बार चेहरे पे एक स्याह, जिसे हम कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन भी देखने को मिला। कई बार बहुत मुश्किल भरा रहा है ये फैसला, कैसे देखें? सपा आखिर क्यों संभाल नहीं पाई चीजों को और इतना ज्यादा चीजें जो हैं वो आउट ऑफ बैलेंस नजर आ रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। अभिलाषा, कोई चीज आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि नेताजी और आदरणीय शिवपाल यादव जी नीचे बैठे हुए थे, सामने की पंक्तियों में बैठे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल साहब के साथ ऊपर बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति जी आए तो वो एक सम्मान दे रहे थे नेताजी को, तो सम्मान देने में अगर उन्होंने पैर छुआ तो कोई गलत बात नहीं है। सभी लोग छूते हैं, सभी कार्यकर्ता नेताजी की इज्जत करते हैं, इसमें सम्मान देना तो ये, अगर इस पे हम सवाल करें कि उन्होंने पैर क्यों छुआ, तो ये गलत बात है जी। तो रही बात मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया नावेद जी, उदास लग रहे थे नावेद जी, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि अपनी कुर्सी संभाली, एक बार फिर से बैठने की, तटस्थ होकर बैठने की कोशिश की, कंफर्टेबल नहीं दिखे वो। नहीं, वो बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कंफर्टेबल थे। ये देखने का नजरिया है, एक सोचने का नजरिया है, एक मीडिया की अलग जहनियत है, एक आम जनता की एक अलग जहनियत है, और विरोधियों की, हमारे खास तौर से विरोधी दल जो बैठे हुए, इनकी एक अलग सोच है। तो हर इंसान की एक सोच को एक तरह से आप नहीं देखा जा सकता, एक तस्वीर में आप नहीं देख सकते किसी चीज को। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, इतने लोगों को शपथ दिलाई गई है, और तो जिस तरह वो सबसे मुलाकात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये चीज की कि आप जिसको उस नजर से अगर देख लेकिन क्या मुख्यमंत्री की पेशानी पे बल जो हमें नजर आ रहे हैं वो इस वजह से भी तो है कि आज लोकायुक्त में भी शिकायत हो गई है गायत्री प्रजापति के ठीक मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, और दूसरी तरफ लखनऊ बेंच में एक याचिका भी दायर की गई है गायत्री प्रजापति के खिलाफ। इन बातों से आखिर जूझना तो मुख्यमंत्री को ही है, चाहे वीटो लगा दे मुलायम सिंह यादव, लेकिन जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की ही है। ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे आपके आलाकमान? कानून का नहीं, अभिलाषा जी, हमारे आलाकमान बहुत समझदार हैं, वो सारी चीज समझते हैं। ऐसे ही नहीं समाजवादी पार्टी जो है एक इतना बड़ा वृक्ष बन के तैयार हुआ है, जो डेवलपमेंट ग्रुप में जनता को आज साया दे रहा है और आराम दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है। तो हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि उन्होंने क्यों उनको हटा दिया, दोबारा ले लिया, और उनके ऊपर लोकायुक्त में भी अब शिकायत चली गई है। तो शिकायत तो किसी के ऊपर भी कर सकता है इंसान, लेकिन आरोप उनके ऊपर लगे हैं। आरोप लगना एक चीज है, आरोप सिद्ध होना दूसरी चीज है। चलिए, लोकायुक्त से तो आप बच भी लेंगे, आपका पुराना एक्सपीरियंस है, मैनिपुलेट करना आप अच्छी तरह से जानते हैं, पुराना एक्सपीरियंस है आपका। लेकिन अगर कोर्ट में मामले आ गए, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, नए विभाग को संभालेंगे, नए विभाग में भी वही काम करेंगे क्योंकि हैबिचुअल है उसी तरह से काम करने के लिए, तो वहां पर कैसे संभालिएगा? कितने कोर्ट्स में कहां कहां अपने ऐसे मंत्री को संभालिएगा? तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो पेशानी पे जो बल पड़ा है वो तो सही है, वाजिब है, हमें कम से कम सिंपैथी है उससे काफी। नहीं देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री की पेशानी पे कोई बल नहीं पड़ा, ये सोचने का और देखने का नजरिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप हमारे नजरिए के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन अपने नजरिए के बारे में बता ही नहीं रहे। चुनाव में जाना है आपको, समाजवादी पार्टी का नजरिया क्या है भाई? जिम्मेदारियां आप क्या, सिद्दीकी साहब, आप मीडिया का नजरिया बता रहे हैं, आम लोगों का नजरिया बता रहे हैं, अपना नजरिया तो बताइए, समाजवादी पार्टी का क्या नजरिया है? मैं आपसे नहीं, मैं मीडिया पे नहीं, मैं देखिए, मैं मीडिया, अभिलाषा जी, मैं मीडिया पे नहीं जा रहा हूँ, ना मीडिया से मुझे कोई शिकायत है। मैं बल्कि उल्टा ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी मीडिया के परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ, आप ही के यहाँ से निकल के राजनीति में आया हूँ, तो मैं मीडिया की इज्जत भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव को इसको देखते हुए कि इसके ऊपर ये सब इल्ज़ाम लगाना कि हम किस लिए जाएंगे, हम सिंगल पॉइंट, हमारा एक पॉइंट है, एक एजेंडा है जिसको लेकर हम जा रहे हैं और वो है डेवलपमेंट, वो है विकास। जो हमने विकास अपने 5 साल के वादों को हमने 4.5 साल में पूरा कर दिया। आप बताइए, इतिहास देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री, कोई वजीर आला उत्तर प्रदेश का आप बता दीजिए जिसने ये चीजें अपने वादों को इतनी जल्दी पूरा कर दिया हो और अपने वादों से प्लस में निकल गया हो। जो अपने वादों से चाहे ताज एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे फिल्म सिटी ले लीजिए, चाहे मेडिकल मुख्यमंत्री सजग मुख्यमंत्री है, इसमें दो राय नहीं है, छवि को लेकर बेहद कॉन्शियस है, उन्होंने फैसला लिया, लेकिन उन्हीं के फैसले को तोड़ मरोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर थोप दिया जाता है उसी दागी मंत्री को। अब मान लीजिए नया विभाग भी दे देंगे तो उनसे क्या उम्मीद की जाए? इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। कोर्ट का मैंने सवाल उठाया था कि लोकायुक्त तो आप मैनेज कर भी ले, न्यायपालिका को कैसे करेंगे, अदालत को कैसे करेंगे, उस सवाल से भी आप बच